नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। तो सरकार की तरफ से फाइनेंस बिल में संशोधन किया गया है, और जो कंसंस और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से या फिर कहें मिडिल क्लास की तरफ से जो आवाज़ें उठ रही थी, जो नाराज़गी देखने को मिल रही थी कि बजट में सरकार ने 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश किया गया था, तो सरकार ने क्या किया था कि जो भी आप प्लॉट या फिर फ्लैट या मकान बेचते हैं तो उस पर इंडेक्सेशन का फ़ायदा हटा दिया गया था, और साथ ही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स था वो 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया था। भले टैक्स घटाया गया हो लेकिन इंडेक्सेशन के हटने से काफ़ी ज़्यादा टैक्स बनता हुआ दिख रहा था, जो कई तबकों की तरफ से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। अब सरकार ने इसी के ऊपर काफ़ी बड़ा फैसला लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी मिडिल क्लास में कोई भी आम आदमी हो, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो ऐसा नहीं करता कि प्रॉपर्टी सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदता है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जैसे 1 BHK किसी ने लिया तो 2 BHK खरीदने के लिए, 2 BHK लिया तो 3 BHK खरीदने के लिए करते हैं। वो प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड या फिर शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते। इनसे एक इमोशनल टच रहता है, और इसीलिए ऐसा हुआ कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 20 से 12.5% हुआ तो उससे कोई बहुत ज़्यादा तारीफें नहीं मिली, क्योंकि इंडेक्सेशन का फ़ायदा हटा दिया गया था यहाँ पर। और इंडेक्सेशन का फ़ायदा साफ तौर पे इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई प्लॉट अगर आपने 3 लाख रुपये या मकान 3 लाख रुपये में खरीदा और महंगाई बढ़ते कई सालों के बाद वो 1 करोड़ का हो गया, तो वो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ी वहाँ पर, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए इंडेक्सेशन लाया गया है यहाँ पे कि जो भी निवेशक है उसको बहुत ज़्यादा टैक्स ना चुकाना पड़े। और इंडेक्सेशन की मदद से टैक्स काफ़ी कम बनता था। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो बनता था वो काफ़ी कम हो जाता था, लेकिन उसके हटने के बाद से चौतरफा मांग उठने लगी कि इससे टैक्स ज़्यादा बनेगा और इससे नुकसान हो रहा है। और अब इसीलिए सरकार की तरफ से एक संशोधन किया गया है यहाँ पे फाइनेंस बिल में, और उसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 23 जुलाई 2024 और उसके बाद जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा, 23 जुलाई और उसके बाद जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसके लिए नियम तो वही के वही है, यानी कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसको चुकाना पड़ेगा और इंडेक्सेशन का फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप चुकाइए साफ तौर पर। लेकिन जिन्होंने इससे पहले यानी 23 जुलाई 2024 से पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो या प्लॉट खरीदा है, ज़मीन खरीदी है, फ्लैट खरीदा है, उनके लिए साफ तौर पर नियम ये है कि उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये यही वाला कि भाई आप इंडेक्सेशन का फायदा हटा दीजिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 12.5% दे दीजिए, या फिर पुरानी व्यवस्था जो है जो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाइए और साथ ही इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठाइए, यानी ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप दीजिए और इंडेक्सेशन का फ़ायदा लीजिए। तो उनके लिए 2 विकल्प हैं जिन्होंने 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी खरीदी। उन दोनों में से जो चाहे, जहाँ पर उनका टैक्स कम बन रहा हो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब 23 जुलाई के बाद वाले जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उनको सीधे तौर पर एक ही नियम है उनके लिए कि 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा और इंडेक्सेशन का फ़ायदा उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको समझाने के लिए थी कि सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो अब नई जनरेशन है उनके लिए तो इंडेक्सेशन का उनको राहत नहीं मिलेगी, फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।